नमस्कार व्यूअर्स, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज एक और इम्पॉर्टेंट विषय में आप सब के लिए वार्ता लेकर आया हूँ। आज का विषय है देव गुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर प्लैनेट 11 अक्टूबर 2018 में तुला राशि को छोड़कर वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो में ट्रांजिट करेगा, जो कि 13 महीने तक यानी कि 5 नवंबर 2019 तक रहेगा। जुपिटर यानी कि बृहस्पति की ये यात्रा तुला राशि से वृश्चिक राशि में अपने मित्र घर मंगल से तुला राशि यानी कि लिब्रा जोडियाक साइन वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा, क्या सफलताएं रहेंगी, जिम्मेदारियां रहेंगी और चुनौतियां रहेंगी, इसके बारे में जानेंगे। मैं बता दूं मित्रों, देव गुरु बृहस्पति जुपिटर प्लैनेट एक बहुत पॉजिटिव प्लैनेट है। ये ईशान कॉर्नर का स्वामी होता है, ईस्ट डायरेक्शन में स्ट्रांग होता है। जिन जन्म कुंडली में 10वें घर में देवगुरु बृहस्पति होते हैं, वे बहुत भाग्यशाली, नेम, फेम, पीस और प्रॉस्पेरिटी उनको मिलता है। देवगुरु बृहस्पति जल तत्व राशि स्कॉर्पियो में एंटर करेंगे और ये बृहस्पति का मित्र राशि है। जुपिटर की पोजीशन जन्म कुंडली में देखकर हम ये जान सकते हैं कि इस संसार में एक व्यक्ति को कितना सुख, शांति, पीस और प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी, उसके चिल्ड्रंस किस प्रकार के होंगे, होंगे कि भी नहीं, वेल्थ कितना रहेगा, रिलीजियस स्पिरिचुअल भावनाएं कैसी रहेगी, एजुकेशन कैसा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसके नॉलेज का लेवल कितना रहेगा, जिनका जुपिटर स्ट्रांग होता है वे बहुत सक्सेस को प्राप्त करते हैं और एट द सेम टाइम मेंटली बहुत स्ट्रांग, स्पिरिचुअल, काम एंड कंपोज रहते हैं। जुपिटर शरीर के अंदर जितना फैट है उसको भी कंट्रोल करता है, बॉडी के हीलिंग प्रोसेस को भी जुपिटर ही मेंटेन करता है। मैं बता दूं मोटे तौर पर मित्रों, देव गुरु बृहस्पति हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर इसे बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। इससे हम किसी भी व्यक्ति के नॉलेज का स्तर, जीवन में सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, गुड एजुकेशन, नेम, फेम, चिल्ड्रन, मैरिज, हैप्पीनेस, इकोनॉमिक स्टेटस, हेल्थ को जान सकते हैं। अगर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छे जगह प्लेस्ड है, उस व्यक्ति को इस जीवन में बहुत सुख और आराम का मिलेगा, बहुत धार्मिक रहेगा, बड़े बड़े लोगों का ब्लेसिंग्स प्राप्त होगा, एकदम से लाइमलाइट और फेम में आ जाएगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, दिमाग की सोच अच्छी रहेगी, आध्यात्मिक रहेगी, राक्षसी तत्व उसको परेशान नहीं कर सकते। ये पूर्व जन्म का बहुत पुण्यफल होने से ही जुपिटर प्लैनेट हॉरोस्कोप में अच्छे जगह प्लेस्ड होता है, राजयोग कॉम्बिनेशन में प्लेस्ड होता है। जो व्यक्ति पूर्व जन्म में बैड कर्मा का अकाउंट लेके आते हैं, उनका बृहस्पति हॉरोस्कोप में नेगेटिव स्थान पर प्लेस्ड होता है, पाप ग्रहों से दृष्टि पाता है,
और जीवन यात्रा में काफ़ी संकट अनहैप्पीनेस से गुजरना पड़ता है। अच्छा बृहस्पति बड़े पद में ब्यूरोक्रेट बनाता है, ब्यूरोक्रेट, प्रोफेसर, एडमिनिस्ट्रेटर, जुडिशियल हेड, पॉलिटिकल हेड, स्पिरिचुअल हेड, CEOs ऑफ द कंपनी, कॉरपोरेट हेड, बहुत बड़ा बिजनेस मैग्नेट, फाइनेंशियल किंग, बहुत बड़ा धार्मिक स्पिरिचुअल व्यक्ति, बहुत सारे शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति, बिना देवगुरु के आशीर्वाद के, ब्लेसिंग्स के ये बिल्कुल संभव नहीं है। ये वही लोग होते हैं जो पूर्व जन्म में अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर आते हैं, जो बिना आशीर्वाद के जुपिटर प्लैनेट्स के इस जन्म में ना तो फाइनेंस मिलता है, ना अच्छी शादी होती है, ना प्रोग्रेस मिलता है, ना हेल्थ में शांति मिलती है। जिन लोगों के जन्म कुंडली में बृहस्पति खराब जगह प्लेस होता है या पाप ग्रहों से दृष्टि पाता है, उन्हें बीमारी का सामना करना पड़ता है, मैरिज सही टाइम में नहीं होता, उम्र निकल जाती है, या मैरिज के समय कोई बीमारी हो जाती है, उनके फेस में अट्रैक्शन कम हो जाता है, शिक्षा वो प्राप्त नहीं कर पाते, घर में बहुत अशांति, शादी हो भी जाए तो मैट्रिमोनियल लाइफ में बहुत अशांति रहेगी, चिल्ड्रंस नहीं होंगे, या होंगे भी तो वो बात नहीं सुनेंगे, बहुत इनडिसिप्लिन चिल्ड्रन होंगे, होना और ना होना एक ही बात, वो घर में माता पिता के लिए संकट पैदा करेंगे, घर में धर्म की चर्चा होगी ही नहीं, रिलीजियस फीलिंग, परमात्मा के प्रति जो श्रद्धा है, जो वो कभी डेवलप ही नहीं होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे बहुत कम उम्र के लोग भी हैं जो बहुत कम टाइम में साधना, प्रेयर, रिलीजियस प्रेयर करने का मौका मिलता है और इंटरेस्ट और श्रद्धा जागती है, और ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो पूरा उम्र निकल जाता है, उनमें श्रद्धा डेवलप नहीं हो पाती, वो मालिक के पावर को, ईश्वर के पावर को नहीं समझ सकते और ना ही साधना कर सकते हैं, क्योंकि साधना तभी होती है जब ऊपर से ब्लेसिंग्स आता है, जब आपकी कुंडली में बृहस्पति प्लेस्ड होगा। जन्म कुंडली और कुछ नहीं है, पूर्व जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा है, जैसे आपने बीज बोए वैसा फल आएगा, उससे निपटने का एक ही रास्ता है, शिक्षा का दान करिए, लोगों को हेल्प करिए, स्पिरिचुअल लाइन में लोगों को लाइए, पुण्य का काम करिए, जितने भी राक्षसी तत्व हैं जीवन में कम हो जाए, दान पुण्य जितना हो सके करें, किताबों का दान करें, बृहस्पति स्ट्रांग होता है, अपने गुरुओं का सेवा करें, ब्लेसिंग्स लें, बृहस्पति स्ट्रांग होता है। मित्रों आगे चलते हैं, देव गुरु बृहस्पति 11 अक्टूबर 2018 को तुला राशि से यात्रा करके अपने मित्र राशि मंगल का घर वृश्चिक में एंटर करेगा, 5 नवंबर 2019 तक यहाँ पर रहेगा, फिर अपने ही घर धनु में सैगिटेरियस में साइन के अंदर 30 मार्च 2019 में प्रवेश करेगा। उसके बाद जुपिटर देवगुरु बृहस्पति रेट्रोग्रेड होकर 11 अप्रैल 2009 में होगा, उसके बाद 23 अप्रैल 2019 में देवगुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर फिर से स्कॉर्पियो में स्कॉर्पियो में एंटर करेगा। जुपिटर फिर से डायरेक्ट होगा 12 अगस्त 2019। जुपिटर फिर से सैगिटेरियस धनु राशि में एंटर करेगा 5 नवंबर 2019। ये यात्रा लिब्रा जोडियक वालों के लिए कैसा रहेगा मैं बता दूं, इन जनरल जिनकी महादशाएं अच्छी चल रही है उनको तो बहुत बड़ा फल, अच्छा स्ट्रांग फल मिलेगा, जिनकी महादशाएं नेगेटिव प्लैनेट्स की चल रही है उनको भी अच्छा मिलेगा, लेकिन परसेंटेज कम रहेगा। दान पुण्य सत्संग जन कल्याण के काम करना, सेवा करना, लोगों को मदद करने के लिए दौड़ना बहुत पुण्य, वो ऐसी स्थिति में आपका बृहस्पति स्ट्रांग हो जाएगा और काफ़ी राहत मिलने की संभावनाएं रहती है। मित्रों देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि से पांचवा दृष्टि मीन राशि पर देगा और नवम दृष्टि कर्क राशि पर देगा। मीन राशि को यदि तुला राशि से देखा जाए तो तुला वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति छठे घर को देखेगा, और नवम दृष्टि से यदि तुला राशि से देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति तुला राशि वालों के 10वें भाव को देखेगा। आखिर ये छठा भाव
कुंडली का और दसवां भाव क्या होता है ये मैं बता दूं आप सबको इन्फॉर्मेशन के लिए। सिक्स्थ हाउस एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है आपका हेल्थ, आपका वेलबींग, आप किस प्रकार के डिजीज़ से इस जन्म में सफ़र करेंगे, आपके मिसफॉर्चून, आपके डेब्ट्स, ऋण, आपकी अपोजिशंस, एनिमीज, क्राइसिस, आपका जीवन में भय, आपके दुश्मन, आप कहाँ नौकरी करते हैं, वह लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपकी सर्विस नौकरी का नेचर कैसा होगा, ज़िंदगी में किस प्रकार के लेसन्स दुख पाने के बाद या सुख पाने के बाद आपने लर्न किया, आप किस प्रकार के काम आपको करना चाहिए, आपका मालिक किस प्रकार का होगा, आपके सर्वेंट्स आपके घर में किस प्रकार के होंगे, क्या वे आपके मित्र होंगे या अचानक आपके एनिमी हो सकते हैं, आपके अंदर कितनी क्षमता है हार्डवर्क करने की, आपके शरीर में कितना फिजिकल स्ट्रेंथ है, ये सारे चीज़ें मित्रों वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार सिक्स्थ हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप से जाना जा सकता है। लिब्रा तुला राशि वालों का 11 अक्टूबर 2018 से देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि से दृष्टि डालेगा। कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में जहां देवगुरु बृहस्पति दृष्टि देता है वहां लॉटरी लग जाती है, उस घर से संबंधित सारे चीज़ें जो मैंने अभी मेंशन किया सारे शुभ मंगल बहुत अच्छा हो जाता है, यानी कि देवगुरु बृहस्पति आपके सिक्स्थ हाउस को देखेगा। इसका मतलब है सिक्स्थ हाउस किसका होता है, जैसे मैंने भी बताया आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा, वेल बींग में इम्प्रूवमेंट होगा इन 13 महीनों में, डिजीज़ जिससे आप सफ़र कर रहे हैं एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, काफ़ी राहत मिलेगी, काफ़ी मिस फॉर्चून जो आपने ज़िंदगी में देखे होंगे उनसे छुटकारा मिलेगा, डेब्ट आपने जो उधार लिए हैं उनसे मुक्ति मिलेगा, आपकी जो अपोजिशंस एनिमीज़ हैं वो आपसे फ्री हो जाएंगे, आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता, जीवन में जो भी मन में भय रहता है वो सब चीज़ें चली जाएगी, आपके अपने रिलेशनशिप अपने बॉस के साथ बहुत म्यूचुअली कॉर्डियल हारमोनियस पीसफुल होगा, ज़िंदगी में आप काफ़ी तजुर्बा गेन करेंगे, आपकी नौकरी में आपको लोग बहुत लाइक करेंगे, आपके सर्वेंट आपको लाइक करेंगे, आपके जो मालिक लोग हैं वो आपको प्रमोशन देंगे, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। सिक्स्थ हाउस को शत्रु भवा हाउस भी कहते हैं। ये तो मित्रों था सिक्स्थ हाउस तुला राशि वालों के लिए देव गुरु बृहस्पति का फिफ्थ एस्पेक्ट। ये सारी चीज़ें तुला राशि वालों का बहुत शुभ बहुत मंगल बहुत स्वस्थ रहेंगे, बहुत अच्छा फीलिंग होगा, नौकरी घर हर जगह माहौल बड़ा ही कंड्यूसिव काम कंपोज और कॉर्डियल हो जाएगा। बृहस्पति की कृपा है हर चीज़ कॉर्डियल, अगर बृहस्पति की कृपा नहीं है ये संसार की यात्रा बहुत दुखद बहुत परेशानियों से व्यक्ति को जाना पड़ता है। अब मित्रों चलते हैं कि बृहस्पति का नाइन्थ हाउस एस्पेक्ट नवम दृष्टि। नवम दृष्टि से बृहस्पति वृश्चिक राशि से तुला राशि वालों का दसवें भाव को देखेगा। दसवां भाव यानी कि कर्क राशि। आखिर एस्ट्रोलॉजी में कुंडली में दसवां भाव किस चीज़ को इंडिकेट करता है मैं बता दूं मित्रों, एक लंबे अनुभव का निचोड़ आपको टेंथ हाउस हॉरोस्कोप में किसी भी व्यक्ति का कर्म भवा यानी कि आप इस जन्म में क्या नौकरी करेंगे क्या प्रोफेशन करेंगे क्या कर्मा करेंगे। टेंथ हाउस में अगर किसी का जुपिटर है बहुत शुभ बहुत सुखद जीवन जिएगा, जुपिटर और सन है बहुत एंजॉय करेगा पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, और पाप ग्रह है तो बहुत दुखद नौकरी के अंदर छोटी सी नौकरी करेगा, परिवार पालना मुश्किल हो जाएगा, नौकरी में बार बार प्रमोशन बार बार सस्पेंड हो सकता है, नौकरियां छूट सकती है, नौकरी में कोई फेम नेम फाइनेंशियल गेन बहुत भारी मात्रा में नहीं होगा यदि वो प्रेयर पूजा पाठ दान पुण्य नहीं करेगा तो। टेंथ हाउस को कर्म भवा कहते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। टेंथ हाउस मित्रों कनेक्टेड होता है योर प्रोफेशन, इट इज़ अ हाउस ऑफ योर कैरियर, आप जीवन में क्या करेंगे किस प्रकार की नौकरी करेंगे, योर लाइन ऑफ वर्क
कैसा नौकरी, क्या आप अपनी नौकरी में सक्सेसफुल होंगे, ये 10th हाउस को देखकर जाना जा सकता है। करियर के अंदर आप क्या मिस्टेक करेंगे, क्या आप दूसरे लोगों को नौकरी देंगे या आप दूसरे लोगों के नौकर होंगे। क्या आप जीवन में कभी हजारों आदमी आपके अंडर में काम करेंगे या नहीं होंगे, ये भी 10th हाउस को देखकर जाना जाता है। आपके कैसे कैसे कनेक्शन होंगे हाई रैंकिंग पोजीशंस और पावरफुल लोगों के साथ, क्या जीवन में कभी ऐसा मौका मिलेगा कि देश और दुनिया और बिजनेस के बड़े बड़े लोग आपके फ्रेंड्स हो जाएं या नहीं मिलेगा, ये भी 10th हाउस से जाना जा सकता है। कहते हैं अगर जुपिटर 10th में है तो उस व्यक्ति का बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ फ्रेंडशिप रिलेशनशिप हो जाता है, और अगर नहीं है तो बड़ी मुश्किल होती है। ये इसको भी बताता है कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी क्या होगी, कितना पैसा कमाएंगे संसार में आकर, क्या फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ होंगे या फाइनेंशियली जीवन भर स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्या अपनी जीवन में हाईएस्ट अचीवमेंट्स कर पाएंगे या आपकी जो डिज़ायर है, मैं बहुत हाइट में जीवन में अपने कैरियर के अंदर पहुंचना चाहता हूं या चाहती हूं, ये तभी पहुंच सकते हैं जब मित्रों आपके हॉरोस्कोप में 10th हाउस के अंदर बृहस्पति या सूर्य या बृहस्पति और बुध सूर्य इनकी कॉम्बिनेशन हो, उसके बिना संभव नहीं है। अगर जुपिटर है तब तो मान के चलना कि आपके घर में फ्लैग लगेगा। देश का बहुत बड़ा पोस्ट, कॉरपोरेट का CEO या देश का बहुत बड़ा पॉलिटिकल पोस्ट आपका वेट कर रहा है। या सूर्य होगा तो भी ऐसा ही होगा, प्रोवाइडेड डिग्री में वे थोड़ा स्ट्रांग हो, पाप ग्रहों से दृष्टि ना पाए। मोटे तौर पर मैं कहता हूं मित्रों, 10th हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप से हम जान सकते हैं पावर, आपको पावर मिलेगी कि नहीं, प्रेस्टीज, सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, अचीवमेंट, रिकग्निशन, रेस्पेक्ट, पोजिशन, नेम, फेम। जिनके 10th हाउस में जुपिटर होता है उनके उनका नाम बहुत लंबे समय तक इतिहास के पन्नों में रहता है, वे कम उम्र में ही सेलिब्रिटी हो जाते हैं। आपने देखा होगा चाहे वो स्पोर्ट्स का फील्ड हो, चाहे एकेडमिक्स का फील्ड हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड हो, चाहे पॉलिटिकल फील्ड हो, चाहे बिजनेस का एरिया हो, कोई अगर बहुत कम उम्र में एकदम से लाइमलाइट मीडिया के फाइनेंशियल आ रहा है, बृहस्पति पावरफुल है, उसके बिना संभव नहीं है। मोटे तौर पर कह दूं मित्रों, बृहस्पति का यह गोचर तुला राशि वालों के छठे भाव को दृष्टि देगा, और ये हाउस ऑफ हेल्थ डेप्ट मैंने बता दिया जैसे, और 10th हाउस हाउस ऑफ प्रोफेशन को देगा, तो आपका रिजल्ट होगा कि आपके प्रोफेशन में बहुत चेंजेस आएंगी, प्रमोशन होगा, प्रोग्रेस होगा, बहुत नेम, फेम, फाइनेंशियल स्टेटस चेंज हो जाएगा, सोशल स्टैंडिंग होगी, आप नौकरी के अंदर एकदम से देखेंगे कि चेंजेस आ रहा है, लोग फेवर में आ रहे हैं, जो अभी तक नहीं हुआ। ये 13 महीना है जब नौकरी के अंदर बड़ा चेंज लेने का समय आ गया है, बड़ा प्रमोशन लेने का समय आ गया है। अगर बिजनेसमैन है तो बहुत पैसा कमाने का समय आ गया है। अगर कोई स्टूडेंट है तो बहुत बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट, डिप्लोमेटिक पोस्ट, जुडिशियल हेड या बिजनेस हेड या बहुत बड़ा साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत बड़े औहदे में जाने का समय आ गया है। अगर दशा अच्छी चल रही है तो बहुत ज़्यादा पावरफुल राजयोग है। दशा यदि नेगेटिव प्लैनेट्स की चल रही है तो उसको नेगेटिव इम्पैक्ट भी मिलेगा, लेकिन रेशियो प्रोपोर्शनेट थोड़ा कम रहेगा। मित्रों ये तो हमने देखा कि तुला राशि वालों का छठा एस्पेक्ट बृहस्पति का और 10th एस्पेक्ट बहुत अच्छा, बहुत शुभ, इन इन जगह जहाँ 6th और 10th से कंसर्नड है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इकोनॉमिक स्टेटस इम्प्रूव होगा, हेल्थ में प्रोग्रेस होगी, घर में सुख शांति होगा, नौकरी में विशेषकर बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। और छठा एस्पेक्ट से आपका हेल्थ में चेंज, एनिमीज कुछ नहीं कर पाएंगे और फाइनेंशियल पोजीशन घर की अच्छी हो जाएगी। मित्रों वाइंडिंग करने से पहले मैं बता दूं, कैसा भी महादशा चल रहा हो कुंडली के अंदर या कैसा भी ट्रांजिट चल रहा हो, अच्छा या खराब, यदि आप चैरिटी करते हैं, दान पुण्य करते हैं, दूसरे लोगों को के लिए जीते हैं, सेवा करते हैं, कोई बीमार है आप वहाँ उसको देखने जा रहे हैं, किसी का सुख दुख बांट रहे हैं, तो प्लैनेट्स आपको अपने आप आशीर्वाद देना शुरू करते हैं। जिसने बहुत आशीर्वाद अपने माता पिता का,
दीन दुखियों का इकट्ठा कर लिया, संकट में भी उसको बचाने के लिए डिवाइन पावर हमेशा उपस्थित है। दूध के अंदर मक्खन छुपा हुआ दिखाई देता है क्या? तिल के अंदर तेल छुपा हुआ है दिखाई देता है क्या? बादल के अंदर पानी छुपा रहता है दिखाई देता है क्या? ये सब ईश्वरीय लीला है। एक छोटे से जीव में, दीमक में देखिए कहाँ आईज है, कहाँ किडनी, कहाँ लीवर, किसने बनाया? चींटी में देखिए कहाँ पर आँख, कहाँ पेट, कहाँ कान, कोई नहीं देख बता सकता। ये ईश्वरीय लीला है, शक्ति है, ये पावर है। हर जीव इस संसार में हर जीव के प्रति अट्रैक्ट है। क्या पावर है ये? ये ईश्वर की पावर है, शक्ति है। बिना सत्संग पूजा पाठ के हम नहीं समझ सकते। हम प्रेयर में रहेंगे, दशा खराब भी होगी तो डिवाइन इंटरवेंशन से हम अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। मैं भी मालिक का ही बंदा हूँ जो आपको बोल रहा हूँ। मित्रों, मुझे एक हिमालयन योगी ने मेरी यात्रा में एक डिवाइन वर्ड, डिवाइन मंत्रा दिया था। मैं आप सब लोगों के भलाई के लिए ये देना चाहता हूँ। ये डिवाइन वर्ड इतना पावरफुल है, अगर आप श्रद्धा से इसका जाप करेंगे, चैंटिंग करेंगे, तो इसमें मिराकुलस पावर है, हीलिंग का, प्रॉस्पेरिटी का, पीस का, मैग्नेटिक अट्रैक्शन का। जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही या अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे किसी को, या वो बिजनेसमैन है, कस्टमर नहीं आ रहे, या फैमिली रिलेशन ख़राब हो रहा है, घर गृहस्थी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, या स्पिरिचुअलिटी डेवलप नहीं हो पा रहा, या ईश्वर में आस्था कम हो रहा है, या शक्ति को नहीं समझते, पावर को, या कहीं भी जा रहे हैं लोग आपको लाइक नहीं कर रहे हैं, तो ये जो डिवाइन वर्ड है जो मुझे हिमालयन योगी ने पास किया है, मैं आपको दे रहा हूँ जन कल्याण के लिए। आप इसका जाप करिएगा, 6 महीने बाद ज़्यादा से ज़्यादा जाप करिएगा। जो लोग बहुत पुण्य करके आए हैं पूर्व जन्म के, उनको मंत्र सिद्धि जल्दी मिलती है, उनको जल्दी रिफ्लेक्ट होगा पावर। जो पूर्व जन्म के नेगेटिव कर्मा लेकर आए हैं, उनको पूर्व जन्म के कर्मा को धोना पड़ता है, थोड़ा समय लगेगा। एक छोटे से बीज में, सीड के अंदर वट वृक्ष बनने की कैपेबिलिटी है। ये भी एक बीज है, इस बीज को यदि आप जाप करेंगे तो ही समझ सकते हैं। वो डिवाइन वर्ड है क्लीम, क्लीम। मित्रों, इसका जाप करिएगा, आप सबका कल्याण हो, मंगल हो, भला हो। आप में से किसी को भी अगर कुछ जन्म कुंडली के बारे में कोई सवाल पूछना हो तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस मुझे भेज दीजिएगा। सवाल एक ही पूछिएगा, समय थोड़ा कम रहता है। मैं इतनी कहूँगा कि मैं प्रोफेसर हूँ इकोनॉमिक्स का, फाइनेंस का, लॉ का, खूब प्रसिद्धि, समृद्धि, नाम बहुत रहा, दुनिया भर में मैं प्रेजेंट हूँ ग्लोबली। एस्ट्रोलॉजी में तो बहुत टॉप सेलिब्रिटीज़, दुनिया भर से मिलने को मौका मिला। आज भी ग्लोबली लोग लिखते हैं, बहुत समृद्धि, जान पहचान, आशीर्वाद लोगों का मिला, आप लोगों की ब्लेसिंग्स मिली। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इस योगी, हिमालयन योगी का दिया हुआ ये डिवाइन वर्ड ने शायद मेरे जीवन में कुछ टर्निंग पॉइंट्स क्रिएट किए। बहुत सारी किताबें लिखी, स्टैंडिंग रही, अवार्ड्स मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आप अपने शुभकामनाएं हमेशा मुझे देते रहिएगा, मुझे अपना आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स दीजिएगा। आप सबका भला हो, मंगल हो। बाय।